नमस्कार, अविघ्न फूड बुक में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भरमा शिमला मिर्च। लोगों को लगता है कि भरमा शिमला मिर्च बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। चलिए बनाने चलते हैं भरमा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इन शिमला मिर्चों को धो लिया है। अब मैं इनको इस तरह से कट लगाऊंगी और इसके अंदर जो ये इसके बीज हैं, सीड्स हैं, इनको डीसीड कर लूंगी। इस तरह से हमें इसको पूरा बीज वगैरह इसके सब निकाल देने हैं। इसी देखिए, इस तरह से हमें इसका तैयार करना है। इसी तरह से हम बाकी शिमला मिर्चों को भी तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बाकी शिमला मिर्च भी इसी तरह से तैयार करेंगे। हमारी सारी शिमला मिर्च इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये उबले आलू हैं, इन्हें अब हम मैश कर लेंगे। मैंने 300 ग्राम के करीब उबले आलू लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं कद्दूकस से। हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम ये एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज है, इसको ऐड करेंगे। दो हरी मिर्च, इन्हें ऐड करेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, एक चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। ये सब चीज़ों को हम मिलाकर अच्छी तरह से इसमें अपने आलुओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपनी शिमला मिर्च में भर लेंगे। शिमला मिर्च में हमें इसे अच्छी तरह से भरना है, इस तरह से दबा दबा कर। देखिए, इस तरह से हमें अपनी सारी शिमला मिर्चों को आलू के मिश्रण से भर लेना है। देखिए, इस तरह से हमारी सारी शिमला मिर्च भरकर तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें हम छौंकेंगे। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई को रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। हमारा सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये एक चुटकी हींग डालेंगे और अपनी शिमला मिर्चों को एक एक करके इसमें डाल देंगे। हमें बहुत सावधानी से शिमला मिर्च डालनी है जिससे कि तेल छिटक कर हमारे हाथों पर ना आ जाए। अब हमें अपनी शिमला मिर्चों को हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाना है हमें 5 मिनट ढककर। बीच बीच में हम इन्हें पलटते भी रहेंगे इस तरह से, जिससे कि चारों तरफ अच्छी तरह से सिक जाएं। अब हम अपनी शिमला मिर्च को चेक कर लेते हैं, बनी है या नहीं। इनको मैंने बीच बीच में पलटा था, मैंने आपको बताया था कि मैं पहले बीच बीच में पलटते रहना है। देखिए, हमारी शिमला मिर्च अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हम अपनी शिमला मिर्च को सर्व कर लेते हैं। हमारी स्टफ्ड शिमला मिर्च तैयार है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्न फूड बुक पर शेयर करें।